बच्चे ना क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसे खेल डे ड्रीमिंग करने लगेंगे। हमेशा एनसीईआरटी को एक रेफरेंस रखना है एवरेज स्कोरर में, और एक अगर आपको पता ही नहीं है कि भैया कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हो तो तैयारी कैसे करोगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब जहाँ भी होंगे हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ्स ओलंपियाड, कैसे करनी है मैथ्स ओलंपियाड एग्ज़ाम की तैयारी और एग्जैक्टली कहाँ से शुरू करना है, ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है जिन्हें पता ही नहीं कि एग्जैक्टली स्टार्ट कहाँ से पढ़ें करें। एक्चुअली रिसेंटली एक पेरेंट है, उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया ओवर इंस्टाग्राम, और अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो यहाँ मेरी आईडी डिस्प्ले हो रही, वहाँ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि वहाँ आप मुझे वॉइस नोट भी भेज सकते हो और डीएम भी कर सकते हो। तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया, बोला कि मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे मैम, जैसे कि ये वाला वीडियो देखा और ये वाला वीडियो देखा, तो इसमें तो आपने बताया कि कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी बुक रेफ़र करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं एकदम से स्टार्ट कैसे करूँ। मतलब उनका बच्चा केजी में है एंड देन देयर वर फ्यू अदर स्टूडेंट्स जो कि हायर ग्रेड्स में है लाइक 7 to 8। सो आई थॉट कि चलो इंडिविजुअली हर किसी को आप एड्रेस नहीं कर सकते हो, तो एक वीडियो ही बना देती हूँ सो दैट मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं कैसे कैसे करती हूँ तैयारी, मतलब मैं माही को कैसे पढ़ाती हूँ। एंड इन केस यू आर विजिटिंग माय चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। एंड यहाँ पे मैं बात करती हूँ पेरेंटिंग, लाइफस्टाइल एंड होम स्कूलिंग रिलेटिव लॉट्स ऑफ स्टफ। यहाँ आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी हमारे डेली व्लॉग्स में, और यहाँ मैं अभी रिसेंटली मैंने कुछ महीने पहले ऑल अबाउट ओलंपियाड सीरीज स्टार्ट की थी, बिकॉज मेरा बेटा जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है उसे मैं ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करा रही हूँ, और बहुत सारे डिफरेंट ओलंपियाड्स वो दे चुका है और काफ़ी अच्छा उसका परफॉर्मेंस रहा है। तो मैं जो जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करती हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करते जाऊँगी इस वीडियो में। मोटिव यही है कि जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, मुझे बहुत ज़्यादा सर्च ये सब करना पड़ा था, तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं अपनी थ्रू आप लोगों को रीच करूँ कि जितना भी मटेरियल है, रिसोर्सेज हैं, सैम्पल पेपर्स है, स्ट्रैटेजी है, वो सब मैं आप तक पहुँचा सकूँ। और ये इरिस्पेक्टिव ऑफ एज है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि आपको कैसे मैथ्स के लिए फोकस करना है स्पेशली। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन हिट ज़रूर कर लेना, नहीं तो जितने भी कंटेंट के नोटिफिकेशन आते हैं ना, जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड किया तो आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन हिट करोगे, और बहुत 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 शेयर किया करो क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसकी नीड होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ कुछ नोट्स बना लिए हैं ताकि मैं आपसे फटाफट बात करते जाऊँ कि एग्जैक्टली कैसे कैसे स्टार्ट करना, और थोड़ा सा लेंदी होगा वीडियो तो बेयर विथ मी, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना ताकि एक भी पॉइंट मिस ना हो, और शेयर करते जाना और लाइक भी कर देना। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है लेवल ज़ीरो से स्टार्ट करना। ठीक है, लेवल ज़ीरो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक वो बच्चे जो केजी से फिफ्थ स्टैंडर्ड तक है, और दूसरे वो बच्चे जो सिक्स क्लास से आगे, मतलब 6, 8, 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक के बच्चे। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको खुद से पढ़ाई करनी है भैया, सेल्फ स्टडी, ये मेरा सबसे पहला मंत्र है बिफोर एनीथिंग। तो ये स्पेशली बड़े बच्चों के लिए है कि भाई सेल्फ स्टडी का से बेटर कुछ भी नहीं है। मम्मा पापा आपको कुछ टाइम के लिए पुश कर सकती हैं, हाँ जी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, एट द एंड ऑफ द डे आप ही को बैठ के पढ़ना है। बच्चे जब तक आपको खुद से नहीं आएगा ना, तो वो चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते, तो सेल्फ स्टडी आप ज़रूर करें। और दूसरी बात आती है कि कौन से बुक्स आपको कवर करनी है, तो जितने भी सिक्स्थ ऑनवर्ड्स बच्चे हैं, छः से बड़े क्लास के बच्चे हैं, या फिर इवन छोटे भी बच्चे हैं, तो आपको हमेशा एनसीईआरटी को एक रेफरेंस रखना है। आजकल स्कूल्स में क्या होता है ना, प्राइवेट स्कूल्स में एनसीईआरटी बुक्स को तो यूज़ नहीं करते हैं जितने पब्लिकेशन, बिकॉज उनका ना कुछ कमीशन बेस का सिस्टम होता है, लेट मी बी वेरी फ्रैंक। तो आप एनसीईआरटी की बुक्स रेफर करो, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। और एक एक चीज़, एक एक वर्ड, एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज़ आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो 8 to 12 क्लास तक के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ आती है बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आपको एक ऐसा चीज़ चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर्स हों। ठीक है, तो दो चीज़ें मैं बताऊँगी जो इसके लिए आपको बहुत हेल्प करते हैं और जो मुझे भी पर्सनली बहुत हेल्प करते हैं। पहली चीज़ है कि इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पर जब मैं गई थी, आई केम टू नो अबाउट दिस वेबसाइट रिसेंटली, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपियाड कंडक्ट कराती है, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब आप यहाँ पे जाओगे ना, तो आपको ढेर सारे सैंपल और रिसोर्स मटेरियल मिलते हैं। दूसरी चीज़ आती है, एक और आर डी शर्मा की बुक आती है, वो भी आप रेफर कर सकते हो, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हैं, बट इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के जो सैम्पल पेपर्स और वर्क बुक्स हैं ना, वो पूरे स्ट्रक्चर्ड है, मतलब उनका पैटर्न वैसा है, तो वो आप ज़रूर रेफर करना, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ बिग टाइम। अब बात करते हैं हम छोटे बच्चों की कि उनको कैसे स्टार्ट कराना है। तो जब आप छोटे बच्चों को स्टार्ट करते हो, एकदम आप
ज़ीरो से एकदम स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बेसिक्स क्लियर करो। आपको नीड एनालिसिस करनी है कि आपके बच्चों को क्या आता है क्या नहीं आता। तो छोटे बच्चों के ना बहुत सिंपल से ही चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक उठानी है, ठीक है। रेफरेंस के लिए मैं बता दूँ, जब स्टार्ट करो आप बुक उठाओ बच्चों की क्लास की और उनका इंडेक्स देखो मैथमेटिक्स का क्या है। के जी या फर्स्ट में बहुत सिंपल सा इंडेक्स है, जैसे कि बिफोर आफ्टर टॉप बॉटम और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये सारी चीज़ें असेंडिंग डिसेंडिंग ये सब बताई गई हैं। तो ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप उठाओ पहले और वन बाई वन करते जाओ। और आपको ना देखो अपने बच्चे का पेज समझ में ना होगा कि कितनी जल्दी वो बच्चा उसको समझ रहा है और कितना टाइम एग्जैक्टली उसको आपको देना होगा। तो ये बेसिक चीज़ें जो मैंने स्टार्ट किया था कि मैं सबसे रेफरेंस लेती हूँ इंडेक्स का, जो स्कूल का वो मटेरियल है, उसके बाद मैं रेफ़र करती हूँ जो भी ओलंपियाड्स का सिलेबस है। तो इसके लिए भी आप इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की वेबसाइट पर जा सकते हैं, यहाँ पे देखो आ रहा होगा, वहाँ पे आप जा सकते हो और वहाँ पे बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो मतलब ऑसम वेबसाइट है, आप ज़रूर विज़िट करना। तीसरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है मेक अ रूटीन। तो अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स को ऑब्वियसली ये रूटीन आपके लिए बनाना होगा, और अगर बड़े बच्चे हैं तो बच्चों आपको खुद से हर रोज़ पढ़ने बैठना है नो मैटर वॉट, ठीक है। तो छोटे बच्चों का मैं रिकमेंड करती हूँ कि आपको कोई डेज अपने हिसाब से चूज़ कर लो। जैसे मैं प्रेफर करती हूँ फ्राइडे सैटरडे संडे, क्योंकि तीन दिन मेरे लिए मुझे लगता है कि काफ़ी हैं, और बच्चे को ना कभी भी ओवरबर्डन नहीं करना है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाए कि यार एक ही चीज़ किए जा रहे हैं। तो अपने रेफरेंस के हिसाब से 3 से 4 दिन हफ्ते में चूज़ कीजिए। छोटे बच्चों के लिए 20 मिनट एक स्ट्रेच में मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत नहीं है। हाँ, खेलते कूदते आप उसी कॉन्सेप्ट को जो पढ़ाया है उसे ब्रशअप करते रहो, बिकॉज एक मैथ्स ही नहीं है पढ़ाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। द नेक्स्ट थिंग इज़ प्रैक्टिस एंड रिविजन। तो जब हमने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा अगर उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडियन, अगेन आप बोलोगे कि फिर से वही रेफर कर रहे हो, बट एक्चुअली इट इज़ द बेस्ट वन, बिकॉज मुझे मैंने यहाँ ऑब्वियसली अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो जब आप वहाँ जाके देखते हो ना, तो उनका एक स्ट्रक्चर वर्कबुक पैटर्न है, उनके रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, एंड स्ट्रक्चर होने का ये फ़ायदा होता है ना कि आप कम टाइम में बहुत ज़्यादा अचीव कर लेते हो। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं जो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, एंड यू कैन गेट दैट वन। और ये ना केजी से लेके 10th तक के बच्चों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। तो आप वहाँ जाओ, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ना कि आपका टाइम बहुत बचाता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं कम टाइम में। सो प्रैक्टिस एंड रिवाइज, एंड उससे भी इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा स्टडी मटेरियल आप लो। देन नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इज़ फोकस एंड रिलैक्स। तो ये दोनों बड़ी ही कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं जिनको मैंने एक साथ रखा है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फोकस या अंडरस्टैंडिंग, तो आप बच्चों जब भी थोड़े भी टाइम के लिए पढ़ो, कई बार ऐसा होता है ना कि पढ़ने का मूड नहीं है, बच्चों फ्रेंड्स के साथ कुछ है या टीवी पे कुछ शो आ रहा है जो आपको देखना होता है, बट डिसाइड कर लो कि भाई ये जो 30 मिनट है, ये जो 1 घंटे हैं, वो मेरे अपने और मुझे करना ही करना है, करो या मरो टाइप्स। तो उस टाइम पे ना पूरा फोकस करके करना है। और इवन मैं पेरेंट्स को बता रही हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को चाहते हो कि कुछ वो करें, देखो मैथ्स ना एक सब्जेक्ट नहीं होता, ये एक वे ऑफ लाइफ होता है, एक लाइफ स्टाइल होती है, क्योंकि ये आपके सोचने का तरीका ना बहुत अलग कर दी थी। मतलब घर में जब हमारे पेरेंट्स या दादा दादी, मतलब इवन मतलब हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स जब बोलते कि मैथ्स पढ़ो बच्चों को साइंस पढ़ाओ मैथ्स पढ़ाओ, तो मेरे घर में स्पेशली ऐसा केस नहीं है कि बिकॉज ये बहुत फैंसी चीज़ है वो पढ़ाओ, आर्ट्स मत पढ़ाओ। इट इज़ बिकॉज कि आपका जो ब्रेन होता है उसका क्रिटिकल एनालिटिकल पार्ट जो होता है ना, वो ट्रेन होते रहता है मैथ्स में, बिकॉज मैथ्स में आप सोचने का तरीका डेवलप होता है। रटंत विद्या वाला नहीं, रट्टा मार ली A+B का होल जाके सॉल्व कर दिया, नॉट दैट पैटर्न। अच्छे से समझो चीज़ों को कि एग्जैक्टली क्या है चीज़ें, और उसके बाद फिर कई बार ना इतना पढ़ते पढ़ते ना दिमाग बोर हो जाता है, मतलब थक जाता है, अब उसके अंदर कुछ नहीं जाता है, तो उस टाइम पे आप रिलैक्स करो। तो रिलैक्स ऑब्वियसली टीवी देखना नहीं होता, कोई गेम खेलना नहीं होता, रिलैक्स उससे रिलैक्स आप हो ही नहीं सकता। आपको लगता होगा नहीं यार मैं रिलैक्स हो गया, बट ऐसा होता नहीं है। तो अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको आप पार्क लेके चले जाइए, उनके फेवरेट ट्रीट दे दीजिए, कुछ घुमा दीजिए, कुछ खिला दीजिए। और बड़े बच्चों तुम लोग भी बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, कुछ भी करो, गेट आउट ऑफ योर हाउस टू रिलैक्स। द नेक्स्ट थिंग इज नो द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, और ये एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करेगा एक एवरेज स्कोरर में और एक आउट ऑफ द बॉक्स प्लेयर में, ठीक है। ये दो चीज़ों आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पता ही नहीं है कि भैया कौन सी लड़ाई लड़ने जा रहे हो, तो तैयारी कैसे करोगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए। और अगेन फॉर दिस वन डू चेक दिस आउट वेबसाइट, इंडियन टैलेंट ओलंपिया.org का वेबसाइट आप देखो, और वहाँ पर ना
क्वेश्चन पेपर, मतलब सब कुछ है, मतलब एक नटशेल में ना उस वेबसाइट पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इवन मैंने भी रजिस्टर कर, अच्छा हाँ मैं इसलिए रेफ़र करती हूँ क्योंकि मैंने रजिस्टर कराया है और मुझे ये बहुत ही अमेजिंग लगा है। जैसे आज भी मेरे बच्चे का एक इंग्लिश ओलंपियाड है, मंथली इंग्लिश ओलंपियाड, तो इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है ना कि आप ना रेगुलर प्रैक्टिस में लगे रहते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो पिछले साल के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स करते हो तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है? उससे सबसे ज़्यादा ये बेनिफिट होता है ना कि आपको पता चलता है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको ज़्यादा काम करना है। अगर आपको कोई वीक पॉइंट हो, जैसे कि मेरे बेटे के साथ होता है कि मल्टीप्लिकेशन अभी उसने क्योंकि स्टार्ट किया है ना, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ में। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि जब वो मल्टीप्लिकेशन पढ़े तो मैं उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखती हूँ, वहाँ पे क्या क्या कमी है वो सारी चीज़ें देखती हूँ और उस गैप को फिल करने की कोशिश करती हूँ। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट मस्ट है, चाहे बच्चे छोटे हों या बच्चे बड़े हों। ये नोट्स आप कैसे बना सकते हो ना, जो बड़े बच्चे हैं वो आप क्या करो, एक छोटा सा डायरी या बुक कुछ भी ले लो जो बिल्कुल नोट्स के लिए है, उसके ऊपर टाइटल ही लिखो नोट्स। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप चार्ट्स बना सकते हैं या रेडीमेड चार्ट्स आते हैं वो खरीद सकते हैं, उनके रूम में हैंग कर सकते हैं, फ्रिज पे लगा सकते हैं, जो इजी हो और बच्चे हमेशा वहाँ जाएं। ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगा जब आप तैयारी करा लेते हो, तो 2-in-1 काम हो जाता है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। हाँ बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इवन फॉर पेरेंट्स। अगर टाइम को मैनेज नहीं किया, अच्छा टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि मुझे दिन में इतना पढ़ने का, नहीं, वो रूटीन है आपका। टाइम मैनेजमेंट होता है कि एग्ज़ाम हॉल में जब बैठे हो तो और एक टाइम है उसमें कितने क्वेश्चन कर रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें सब कुछ आ रहा होगा लेकिन जब एक घंटे का टाइम होगा और उसमें एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा ना, तो फिर जो प्रेशर होता है ना वो तुम्हें शुरू से फील करना है। तो मैं माही को कैसे प्रैक्टिस कराती हूँ, माही जो मेरा बेटा है, उसको मैं जब हम ऐसे तो हम नॉर्मली पढ़ाते हैं लेकिन जब एक महीना बच जाते हैं ना तो उस टाइम मेरा बहुत ज़रूरी, क्योंकि बच्चे ना क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसे खेल डे ड्रीमिंग करने लगेंगे कुछ कुछ, और फिर उसको पुश करना पड़ता है क्या सोच रहा है, पढ़ 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 पढ़ो। तो इसकी वजह से ना टाइमर बहुत रोल प्ले करता है। तो टाइमर लगाओ और उसमें प्रैक्टिस करो, स्पेशली लास्ट से एक महीने। तो इससे क्या होगा ना कि बच्चे को भी लगता है कि एक तो ना बच्चे को गेम गेम जैसा करा दो, छोड़े देखने कि तुम कितना कर लेते हो इतने टाइम पे, अच्छा ये कर लोगे। तो ऑब्वियसली आपको ब्राइब भी करना है, यार मैंने भी किया है ब्राइब, बहुत ही बढ़िया मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। और ब्राइब बच्चों के लिए मोटिवेशन है, आज ना ये बना दूंगी तुम्हारे लिए, आज तुम्हारा ये फेवरेट बना दूंगी, आज घूमने जाएंगे, आज खेलने जाएंगे पार्क में। तो ऐसा करके और फिर उन्हें टाइमर ला कर प्रैक्टिस करो। और बड़े बच्चे भैया, बिना टाइमर के प्रैक्टिस मत करो, बिकॉज इट विल नॉट हेल्प। बहुत तुम इंटेलिजेंट होगे बट अगर आपने एग्ज़ाम हॉल में टाइम को मैनेज नहीं किया तो यू आर गोइंग टू फेल, और ये आप बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हो। तो फोकस ऑन योर टाइम मैनेजमेंट। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सारा जो टिप्स होंगे वो यूज़फुल लगे होंगे। अच्छा लगे तो शेयर 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 सबसे शेयर किया करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यार, दूसरों को हेल्प मिल जाती है एंड टाइम सेव हो जाता है आपका। जो आप रिसर्च वगैरह करोगे ना, आपको एक जगह पर मटेरियल मिलता है। इसके लिए लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है अगर आपको कैसा लगा, और आपकी कोई अगर स्ट्रैटेजी अलग है तो प्लीज़ शेयर यहाँ पे कमेंट किया करो, ताकि जो दूसरे पेरेंट्स देखते हैं ना उनको भी उसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में। आपके कोई भी डाउट्स हों डू रीच आउट टू मी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय बाय।